नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। नोटबंदी लागू करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार संसद में इस मुद्दे पर बोलते हुए दावा किया था कि उनके फैसले से आम आदमी को बड़ा फायदा मिलेगा। नोटबंदी के फायदे के साथ साथ पीएम ने वादा किया था कि इस कदम से देश में आम आदमी की जेब में हर महीने 10 रुपए तक की बचत होगी। नोटबंदी का एक साल पूरा हो गया है। इस मौके पर जहां भाजपा उपलब्धि के तौर पर देख खुशियां मना रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां काला दिवस के नाम पर विरोध कर रही हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी की निंदा करते हुए ट्वीट किया है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा, कांग्रेस को काले धन से प्यार है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन बाकी विपक्ष को क्या हो गया है? चुनाव में हार जीत चलता रहता है, चुनाव हारने के बाद इस तरह से काले धन का विरोध करेंगे, देश देख रहा है। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युमन मर्डर केस में 11वीं के छात्र की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सीबीआई की माने तो हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक कुमार को जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया था। यहां तक कि अशोक कुमार से सादे कागज पर दस्तखत भी ले लिए गए थे। उसने दबाव में आकर मीडिया में भी बयान दे दिया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में किया और काफी अपरिपक्व तरीके से लिया। उनके इस फैसले से मुट्ठी भर नेताओं और उद्योगपतियों को छोड़कर देश के 125 करोड़ लोगों की तंगी और बेरोजगारी जैसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार का ये फैसला भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग में सांस लेना दुभर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण 6 गुना बढ़ गया है। इस बीच नासा ऑब्जर्वेटरी ने कुछ तस्वीरें साझा किया है, जिसमें दिल्ली समेत उत्तर भारत और पाकिस्तान में स्मॉग का कहर साफ दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। गाड़ियों से निकलता धुआं, सड़कों से उड़ती धूल और सरकार की नाकामयाबी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक कह चुके हैं कि राजधानी गैस चैम्बर बन चुकी है। राजधानी की आबो हवा में ये खुला जहर सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों से निकला वह काला धुआं है जो खेतों में पड़ी पराली जलाने के बाद उठा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब भी मौका मिला, वो बिहार पुलिस के आला अधिकारियों के साथ दो टूक शब्दों में बात करते हुए दिखे। उन्होंने एक बैठक में पुलिस अधिकारियों को कहा कि बिहार की सबसे बुरी पहचान कानून का राज है, इस पर समझौता मंजूर नहीं है। रांची में नोटबंदी की पहली बरसी पर आज भाजपा नेताओं ने विजय जुलूस निकालकर जश्न मनाया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और मंत्री सीपी सिंह को लड्डू खिलाया और खुशियां मनाई। कार्यक्रम में शामिल नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा, आज कोई भी व्यक्ति काला धन लेने और देने से परहेज कर रहा है। राजस्थान विधानसभा में 25 अक्टूबर को पास हुए ओबीसी आरक्षण बिल पर हाई अलर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। राज्य की वसुंधरा राजे सरकार की ओर से पास किए गए इस बिल में गुजर समेत 5 जातियों को अलग से आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इस बिल के पास होने से पूर्व राजस्थान में 21% आरक्षण की व्यवस्था थी। देश की तीसरी सबसे ज्यादा बालिका वधुएं आज भी झारखंड में है। जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बताती है कि राज्य में 38% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। ये वही राज्य है जहां की बेटी प्रत्युषा बनर्जी बालिका वधू जैसे टीवी सीरियल की अभिनेत्री बनी थी और उस टीवी सीरियल के माध्यम से कम उम्र में लड़कियों की होने वाली शादी से उत्पन्न दुविधाओं को बताया था। एनआईटी मणिपुर में बिहार के छात्रों की पिटाई का मामला अब तूर पकड़ने लगा है। पिटाई के बाद कार्रवाई न होने से नाराज बिहार के छात्र अब पढ़ाई छोड़कर वापस अपने बिहार लौटने लगे हैं। छात्रों ने सुरक्षा की गारंटी न मिलने से नाराज होकर कॉलेज और पढ़ाई दोनों छोड़ने का फैसला लिया है। न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मैच में 6 रन से मात देने के साथ ही भारतीय टीम ने यह सीरीज भी अपने नाम कर ली। इस जीत के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पत्रकारों से बातचीत के जरिए धोनी के आलोचकों को करारा जवाब दिया। लंबे अरसे से बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके कथित बॉयफ्रेंड संदीप बिजनेसमैन संदीप तोशनीवाल के साथ अफेयर के चर्चे सुर्खियों में हैं। अब खबरें आ रही हैं कि इस बिजनेसमैन ने आखिरकार अपनी डॉक्टर पत्नी से तलाक ले लिया है। अब सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या एक बार फिर करिश्मा कपूर दुल्हन बनेंगी। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार।